आज सोशल मीडिया एक्स पर अचानक राकेश त्रिपाठी ट्रेंड करने लगा। जब इस खबर की पड़ताल की गई तो पता चला कि लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से अभद्रता हुई है। शहीद पद पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने राकेश त्रिपाठी के साथ बदसलूकी की। राकेश त्रिपाठी का आरोप है कि वो अपने परिवार के साथ गाड़ी से लौट रहे थे। एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनकी गाड़ी रुकवाई और तलाशी ले ली। हूटर और बत्ती चेक की गई इस दौरान, और उन्होंने बताया कि इस दौरान कि वो कौन है, लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने परिवार के सामने इनसे अभद्रता की। इसके बाद राकेश त्रिपाठी ने डीसीपी यातायात को एक लिखित शिकायत दी, और इसमें उन्होंने लिखा, क्या लिखा ये भी बताते हैं, 22 जून को मैं अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट से श्रीनगर से परिवार के साथ लखनऊ वापस लौटा। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ भी कई चर्चाओं में शामिल हो चुके हैं, और तकरीबन शाम को 6:30 बजे एयरपोर्ट के पास सब इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने मेरी गाड़ी रोक दी, तलाशी लेने लगे। सब इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ चेकिंग के नाम पर दुर्व्यवहार किया। अचानक हुई इस घटना से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सब इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसा राकेश त्रिपाठी ने यहां पर कहा। वो लौट रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता की ये जो शिकायत सामने आई, इसके बाद डीजीपी मुख्यालय ने दखल दिया। लखनऊ ट्रैफिक कमिश्नर ने आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। वहीं विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद राकेश त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी में लगा बीजेपी का झंडा हटा लिया है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, लेकिन उन्होंने झंडे को हटा लिया है। और राकेश त्रिपाठी के ऊपर या उनसे जुड़े इस विवाद पर कांग्रेस भी सामने आ गई, और कांग्रेस ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी से हमारे गंभीर राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों को सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा अनायास प्रताड़ित किया जाना ये अक्षम्य अपराध है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ जो भी दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है वो सर्वथा अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के खिलाफ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर सकती है, आम जनता के साथ वो क्या कर रही होगी? किसी के परिवार के साथ बैठ करके इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, तलाशी के नाम पर बदतमीजी करना, क्या आदरणीय योगी जी ये आपने बताया है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है ये उस किसी साजिश का हिस्सा है? ये जरूर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की बेजा कार्रवाई का हमेशा विरोध होगा, भले ही वो किसी भी दल का हो। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कटघरे में खड़ी है कि जब वो अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत, आदर मान सम्मान नहीं सुरक्षित रख सकती, तो फिर वो प्रदेश का आदर मान और सम्मान कैसे सुरक्षित रखे। इस तरीके से राकेश त्रिपाठी अपने परिवार के साथ कुछ दिन पहले कश्मीर में थे। कल शाम एयरपोर्ट से लौटने के बाद शहीद पद पर लगभग 6:30 बजे उनकी गाड़ी रोकी जाती है और उनसे पूछताछ करने के बहाने बदसलूकी होती है। ऐसे में राकेश त्रिपाठी का ये कहना है कि ये उनके साथ गलत किया गया, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आपको बता दें, राकेश त्रिपाठी ने पुलिस को अपना परिचय भी दिया कि भारतीय जनता प्रवक्ता है वो, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ जो बदसलूकी है वो नहीं थमी और लगातार जारी रही। पत्रकारों से बात की राकेश त्रिपाठी ने, और उन्होंने कहा ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल सही है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के टीवी डिबेट में विपक्ष से मोर्चा लेने वाले प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ पुलिस ने अपमानित कर दिया है। उनकी गाड़ी रोकी, पूरी तलाशी हुई, हूटर बत्ती आदि चेक की गई। त्रिपाठी के साथ गाड़ी में उनका परिवार भी था,
उन्होंने परिचय दिया, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। राकेश त्रिपाठी ने बीजेपी का झंडा गाड़ी से उतार दिया है। उन्होंने अपनी गाड़ी में अब अधिवक्ता लिखवा लिया है। पत्रकारों से जब बातचीत की तो पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो सुना वह सही है। और इसके बाद राकेश त्रिपाठी ने ट्रैफिक विभाग के डीसीपी को पत्र लिखकर ट्रैफिक विभाग के सब इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी से शिकायत की। आशुतोष त्रिपाठी की भी इनफैक्ट शिकायत की। शिकायत के बाद मामला सही पाया गया और आशुतोष त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया गया।